नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, अब खबर जालौन से। जनपद जालौन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी और आज सुबह 8 बजे से जालौन के 9 विकास खंडों में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतगणना स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा हर मतगणना स्थल पर एसडीएम, सीओ पुलिस फोर्स और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जालौन की 9 विकास खंडों में 573 ग्राम पंचायत एवं 25 जिला पंचायत सदस्य और 630 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मतगणना शुरू की जा चुकी है और इन सारे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज शाम को हो जाएगा। वहीं मतगणना स्थल पर पुलिसकर्मी सोते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जालौन से संवाददाता नवीन कुशवाहा की रिपोर्ट। जालौन में पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स लगाया गया है और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए। कैमरामैन से कहेंगे कुछ तस्वीरें दिखाएं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो इसके लिए फोर्स लगाया गया। आप देख सकते हैं भीड़ यहां पर इकट्ठा है और यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगाई गई है और बिना जांच के मतगणना स्थल के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा।